40वां सर्ग न तो संसार दशा में ब्रह्म का भान होता है और न ब्रह्म दशा में संसार का ही भान होता है, परंतु जीव जीवन मुक्त में क्रमशः दोनों का भान होता है। ये वर्णन तत्वज्ञ का यह अनुभव है कि स्वतः स्वरूप से शून्य बाह्य और अभ्यंतर वस्तुओं का वास्तविक स्वरूप उसका साक्षी चैतन्य ही है। ये कहते हैं महाराज वशिष्ठ ने कहा है श्री रामचंद्र जी, बाह्य और आभ्यंतर विषय तथा बुद्धि आदि इंद्रियों के प्रकाशक निर्मल साक्षी चेतन को ही विद्वान लोग स्वरूप शून्य जगत वस्तु का स्वरूप समझते हैं। उसमें अन्वय व्यतिरेक रूप युक्ति बतलाते हैं। जब अपरिच्छिन्न वस्तु मतलब ब्रह्म स्वभाव की स्थिति अविद्याकृत परिच्छिन्न परिच्छेद से तथा उसके शरीर रूप से उदित हो जाती है, तब ये सृष्टि ब्रह्म के सदस्य प्रभासित होती होने लग जाती है। अब व्यतिरेक दिखलाते हैं, जब आत्म स्वरूप के ज्ञान से शांति रूप आत्म विश्रांति अपनी स्थिति प्राप्त करती है, अर्थात ब्रह्म स्वरूप में जब शांति रूप विश्रांति प्राप्त हो जाती है, तब ये जगत रूप दृश्य ऐसे शांत हो जाता है जैसे सुसुप्ति में स्वप्न। यही कारण है कि ब्रह्म स्वरूप में विश्रांति के विरोधी भोग आदि सब के सब अनर्थ रूपी है। ये कहते हैं श्री रामचंद्र जी, ये जितने भोग हैं वे सब के सब संसार रूप महारोग हैं। बंधु लोग दृढ़ बंधन है तथा ये सारी अर्थ संपत्ति तो महान अनर्थ की कारण है, इसलिए अपने ही से अपनी आत्मा में शांति लीजिए। ब्रह्म स्वरूप से विरुद्ध भावना करना सृष्टि है तथा स्वभावात्मक ब्रह्म रूप की प्राप्ति कल्याण है, इसलिए श्री राम जी आप परम चिदाकाश रूप हो जाइए, शांति प्राप्त कीजिए। अब महाराज वशिष्ठ जी अपने अनुभव का अभिनय कर प्रभु पुरुष की स्वायत्ता दिखलाते हैं। हे श्री रामचंद्र जी, मैं अपने को यानी दृष्टा आदि त्रिपुटी के भीतर सर्वप्रथम वशिष्ठ संज्ञक जीव को नहीं जानता और न दृश्य तथा इस जगत के भ्रम को भी नहीं जानता हूँ। मैं शांत ब्रह्म में प्रविष्ट हो चुका हूँ। हे श्री राम जी, मैं निर्विकार ब्रह्म ही हूँ। हे श्री राम जी, तुम वशिष्ठ हो। इस तुम शब्द के अर्थ से घटित त्वंता को ही त्वम शब्दार्थ घटित आप ही देख रहे हैं और मैं तो सबको केवल शांत परम चिदाकाश रूप ही देख रहा हूँ। हे रामचंद्र जी, वायु में स्पंदन की नाई परम चिदाकाश रूप ही ब्रह्म में ये शब्दार्थादि रूप बाह्य एवं अभ्यंतर सब पदार्थ आप में भी ब्रह्म स्वरूप ही उत्पन्न है। परमार्थतः वे उत्पन्न नहीं हुए हैं, किंतु उत्पन्न हुए से प्रतीत हो रहे हैं। द्वैत के साथ विद्वैत होने के कारण मुझे द्वैत का अदर्शन है, ऐसी कोई बात नहीं है। किंतु द्वैत दर्शन और द्वैत का अदर्शन दो एक साथ नहीं हो सकते। ये कहते हैं हे श्री रामचंद्र जी, ब्रह्म स्वरूप में स्थित पुरुष सृष्टि को नहीं जानता और सृष्टि में स्थित पुरुष ब्रह्म स्वरूप को नहीं जानता, जैसे कि सुसुप्त पुरुष स्वप्न को नहीं जानता तथा स्वप्न में स्थित पुरुष सुसुप्ति को नहीं जानता, जिसका कभी दर्शन नहीं होता। ऐसे पदार्थ के विषय में उपदेश की प्रसिद्धि कैसे? इस शंका पर कहते हैं तत्वज्ञानी प्रशांत चित्त जीवन मुक्त पुरुष ब्रह्म और जगत के प्रकाश स्वरूप रूप को क्रमशः ऐसे जानता है जैसे जागृत और सपने के दृष्टा पुरुष क्रमशः उनका रूप जानते हैं, इसलिए वह उपदृष्टा होता है। ये भी उत्तरोत्तर भूमिकाओं में क्रमशः द्वैत के अदर्शन से आगे चलकर बिल्कुल प्रशांत हो जाता है। कहते हैं जीवन मुक्त ज्ञानी पुरुष संपूर्ण जगत को यथास्थिति ही जानता है तथा शरत काल के मेघ के तुल्य शुद्धात्मा हो बिल्कुल शांत हो जाता है। जीवन मुक्त ज्ञानी की दृष्टि से द्वैत उत्तरोत्तर निर्बल होता जाता है। ये जो दृष्टांत से कहते हैं जैसे किसी के कहने पर स्मृति या विकल्पना में स्थित युद्ध भासता है, वैसे ही विवेकी पुरुष को सत और असत की एकमात्र भ्रांति रूप अहंता आदि जगत ब्रह्म भासता है। जो भली भांति दिखाई दे रही जगत की माया परमार्थ सत्य रूप परमात्मा में तथा अन्य असद्रूप सन्य में
शून्य में नहीं है एवं जिसका दृष्टा को जीव भी नहीं है, ऐसी शून्य और अशून्य से विलक्षण ये भ्रांति और निर्वचनीय ही भासती है। 44वां सर्ग समाप्त।